हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। देखिए, मैंने आपको वो प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि मैं आपको थोड़ा सा इसी को क्रिएटिव करके फिर दिखाऊंगा और पतली उसमें, ये देखिए मैंने उसके लिए प्लान किया और इसको जो है बीच में से मैंने उसे फाड़ के फिर लगाया। ठीक है, अब ये जो है जो चीज़ बनेगी वो बिल्कुल, अब इसमें हम बॉर्डर भी नहीं दे रहे। ये देखिए, इसको कैसे भी पतला करके, मोटा करके, कहीं से भी पतला करके जहाँ तक है उम्मीद के। अब देखिए, मैं जो है ना एक इसके सामने भी करके देख रहा हूँ। देखिए ये है, ये जो है मैंने इसको कहीं से मोटा और कहीं से इसको पतला कर दिया। जॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि जॉइंट पे गड़बड़ ना हो। इस तरह ये जो है ना, आप इसको आप ऐसे मान लो कि आप अगर जैसे भी फाड़ोगे वैसा तो फटेगा नहीं, कोई और ही तरीके से फटेगा। आप चाहो तो इसका चौड़ा वाला वो भी टेप भी ले सकते हो इसके लिए, कि अगर आप इसे बीच में से पेपर को फाड़ रहे। ठीक है, ये देखिए, अब जो डिज़ाइन बनेगा इसमें वो बिल्कुल अलग ही होगा और क्रिएटिव होगा। ये इसको बड़े आराम से फटेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मुश्किल नहीं है। आप टेढ़ा मेढ़ा फटे, बस वही इसकी ब्यूटी है कि जितना चाहे उतना जो है वो टेढ़ा मेढ़ा फटना चाहिए, सीधा सीधा नहीं। अगर सीधा सीधा फटेगा तो बात बनेगी नहीं। ये देखिए, ये अब इसको नाप लेते हैं कि कहाँ पर कितना चलेगा। ये बहुत अच्छा साइज बन गया। ये देखिए, इसको हम चिपका देते हैं। अब एक और है हमारे पास जो इसके बीच में से फटा है, उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये जो है कहीं भी इसको नेचुरल वे ना लगा के कहीं भी कैसे भी आप लगा सकते हैं। मैंने फिर फाड़ा और उसको फिर मैं बीच में से, आप अगर कैंची से कट करोगे ना तो वो एक क्रिएटिव ना बन के वो ऐसा बन जाएगा जैसे कि पतला टेप। अगर आप चाहें कि पतला टेप आपको करना है तो आपको कैंची से इसको काटना पड़ेगा, लेकिन कैंची से काटना इजी नहीं है, इसलिए आप जो है वो इसको हाथ से ही बहुत अच्छी तरीके से फाड़िए। अब देखिए, ये मैंने यहाँ से लेके इसको नाप लेते हैं शुरू से कि ये इतना जो है ये यहाँ पर ये बैठ गया। ये हम यहाँ से नाप लेते हैं कि ये यहाँ से ऐसे बैठ गया। सोचने की बात है कि अगर बाई चांस आप उसको और अंदाज में सोच सकते हैं तो बेस्ट है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। ये देखिए, दो दो निकलते हैं एक में। ये भी चिपक गया। तो हमने यहाँ भी बता दिया, छोटे छोटे भी फाड़ सकते हैं, बहुत छोटे छोटे वो भी फाड़ सकते हैं।
इसका इफ़ेक्ट मुझे भी नहीं पता कि कैसा होगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं इस टाइप की वो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी, अच्छा मैंने आज बातों में मुझे याद आया कि मैंने अभी ऑयल की एक आध पेंटिंग बताई हो तो बताई हो, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को ऑयल की तरफ लेके नहीं गया। जल्दी ही जो है मेरी सब सेटिंग चल रही है, तो वो उसके बाद जो है मैं आप लोगों को ऑयल से भी, मेरा जो मेन वो है वो ऑयल का ही है, तो इसलिए मैं ऑयल से ज़्यादा बताऊंगा। ऑयल होता बहुत बेस्ट है, रिच कलर होता है, रिच मीडियम है। ऑयल से करने का वो फ़ायदा ये है कि अगर वो थोड़ा लेट ड्राई होता है उससे बहुत सारी बेनिफिट है। क्योंकि उसे बनाना फिर बहुत इजी हो जाता है। एक छोटा सा टुकड़ा बचा है उसको मैं, यही चीज़ आपको करनी है। छोटे छोटे टुकड़े भी अगर बच जाते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कलर में भी थोड़ा सा हम लोग जो है वेरिएशन देंगे। आप देखिए ये काफ़ी चेंजेस हो गई उससे और इससे, दोनों से काफ़ी हद तक चेंज हो गया। अब जितने भी बनेंगे मेरे हिसाब से छोटे छोटे ही बनेंगे। एक बार फाड़ने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, और आगे थोड़ा सा जब प्रैक्टिस थोड़ी हो जाएगी तो ये इजी हो जाएगा। अब इसको आप चाहें तो ब्रश से भी बना सकते हैं, ब्रश से भी इजी रहेगा। ये देखिए ये हम चिपकाने के बाद भी फाड़ सकते हैं। हमने ये भी फाड़ लिया, अभी हम इसके भी दो पीस करेंगे। इसको भी हमने यहाँ चिपका दिया, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है लेकिन उसको जो है हम आ नहीं रहा इससे। छोटा रह गया, लेकिन छोटा रह जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हमने दूसरी जगह पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी हम जो है एक यहाँ पर भी लगा देंगे। देखिए अब हमारे पास जो है ना वो उसमें थोड़े बड़े ब्लॉक थे, लेकिन इसमें जो है वो हमने थोड़ा ध्यान करके, थोड़ा क्रिएटिविटी दिखा के और उसको फाड़ के यूज़ किया है पेपर को, तो उसमें ब्लॉकेज जो बनी है कहीं पर बड़ा कहीं छोटा कहीं, तो बिल्कुल अलग टाइप के बन गए। ये देखिए ये, अब इसको थोड़ा और फाड़ेंगे, बस लास्ट है इसको जो है वो हम यहाँ लगा देते हैं। छोटे से छोटे पीस को जो है आप अपने काम के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये अब हमें ब्लॉक जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा है, सीधा वो ठीक नहीं है, कहीं पर भी स्क्वायर या वो ना दिखाई दे वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये भी हमने लगा दिया। ओके फ्रेंड, तो अब हम चलते हैं कलर की तरफ। अब हम जो है इसमें लाइट मीडियम और डार्क तीनों चीज़ों का पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ हम पर्पल कलर हमने डाला, थोड़ा
उसके बाद ब्लू कलर लेंगे, ये कोबाल्ट ब्लू है। वो पर्पल के साथ ही चलेगा। अब हम यहाँ पर प्योर ब्लू ले लेंगे। अब जो है वो अगला हम कलर जो है वो टर्किश ब्लू लेंगे। अब हम टर्किश ब्लू लेंगे इसमें, ये ठीक है। अब हम लास्ट में वाइट कलर। अब हमने क्या किया इसमें, हमने जो है वो डार्क टू लाइट, ऊपर की तरफ लाइट और नीचे की तरफ डार्क को इसमें दिखाने की कोशिश की। पिंक वाइट नीचे भी लगा दिया। अब हम सारा बंद कर देंगे। ये हमने निकाला तो छोटे नाइफ से है कलर, लेकिन जब हम मिक्स करेंगे तो इससे करेंगे, ठीक है। अब हमने वाइट कलर को मिक्स करा, ये हम टर्किश को किया। यहाँ पर टर्किश वाइट मिक्स होंगे। अब इसमें ये ध्यान रखिए कि लाइट से डार्क की तरफ आपको मूव करना है, ना कि डार्क से लाइट की तरफ। अगर आप डार्क से लाइट की तरफ करेंगे तो आपको नाइफ को बार बार पोंछना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जो है वो लाइट से डार्क की तरफ बढ़ेंगे तो आपको बार बार नाइफ को पोंछना नहीं पड़ेगा। कैसे भी बनाइए, इसमें ये सब नहीं है कि नाइफ ऐसे चलाना है या वैसे चलाना है। अब देखिए लाइट टू डार्क हमारा पूरी तरीके से करेक्ट बन गया। बस पेंटिंग आपकी कंप्लीट हो गई, ऐसे मानिए। ये आपकी पेंटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब आप इसके लेके जो जो चीज़ें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो निकाल दीजिए। साथ साथ निकलेंगे वो, इसमें कोई वो नहीं है, अलग नहीं होगा, साथ साथ निकल जाएंगे। मैंने आपको बताया कि आप जो है ना वो ध्यान रखिए कि आपको सूखने, थोड़ा सा ड्राई होने के बाद फिर निकालना है। मुझे जो है आपका टाइम बर्बाद ना करके अभी निकालने पड़ते हैं। रास्ता अपने आप मिलता जाएगा, जैसे जैसे खोजेंगे सब धीरे धीरे निकल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप नाइफ का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, और जब नेक्स्ट में हो तो आप जो है वो ब्रश से इसमें वाइट कलर का एक निकलता है, फिर वो उसके बाद वो धीरे धीरे उस दूसरे का सिरा मिलता जाता है। इसको भी मैं जो है ना वाइट से ठीक करूँगा थोड़ा सा।
देखिए ये थोड़ा सा क्रिएटिव हुआ है, वो उसके अंदर भी ब्यूटी थी लेकिन इसके अंदर ज़्यादा वो है। अब हम एक और रह गया हमारा, वो उसको हम और निकाल देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको देखिए, डार्क लाइट टू डार्क है पूरा। और जब ये ड्राई हो जाए तो आप सूखा ब्रश लेके और फिर जो है इसमें इजीली कर सकते हैं। डार्क से भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको छोटा वो लेना पड़ेगा। चलिए हम इसको डार्क से ही कंप्लीट करते हैं, जो कलर है उसी कलर से। इसको ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको ऐसे निकाल के ऐसे मिला दिया। यही वो चीज़ थी जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि आप इसमें क्रिएटिविटी कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बनेगा, कलर उसी के अंदर से लेना है, कलर कोई अलग से नहीं लेना है, कहीं पर भी कलर अलग से नहीं लेना है। जो कलर अंदर दिखाई देगा वही कलर को आपको लेके उसे मिक्स कर देना। ये सोचना ही आसान काम नहीं है, आपके लिए बता दूं कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग, ये सोचना ही आसान काम नहीं, इसमें ही मुश्किल है। आज क्या करना है, कल क्या करना है, ये जो चीज़ है ना, ये आसान नहीं होती। इसको और कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें जो चीज़ मैं आपको बता रहा था वो, इसमें कोई वो नहीं है, सिमेट्री नहीं है। यही जो चीज़ जिसके अंदर सिमेट्री ना हो, जिसको आप इजीली बना पाएँ विदाउट सिमेट्री, वो चीज़ जो है बेस्ट होती है। यहाँ पर भी इसको मिक्स कर देंगे, इसको भी मिक्स करना पड़ेगा। इसको बहुत थोड़ा सा बाहर को निकला था, ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए। इजी देखिए, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि मेरा मानना ये है कि पेंटिंग इजी ही होती है, टफेस्ट नहीं होती। क्रिएटिविटी बहुत इजी है लेकिन उसको आप कंटिन्यूटी करें उसमें और उसके अंदर कंप्लीट काम करें तो वो धीरे धीरे अपना रिजल्ट देती है। ये कंप्लीट हो गया, ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।